नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शिवांश बसीन। सो दोस्तों, आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो स्टॉक है डिविस लैब। सो गाइस, डिविस लैब के ऊपर बात करने वाले हैं। कल 24 जून को, यानी कि वेडनेसडे को, मार्केट में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके क्या टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखने हैं वो बात करेंगे। गाइस, इसी के साथ में एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, जिसमें कल बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, अपने खुद का यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं मेरा नाम शिवांश भसीन, तो गाइज़ वहाँ पर आपको मेरा चैनल शो कर जाएगा। चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके देखिए और आपको वहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविस लैब के ऊपर और देखते हैं कि इसमें पर्टिकुलर चार्ट में कौन सा पैटर्न डेवलप हुआ है और ये क्या पैटर्न बता रहा है कि कहाँ तक जा सकता है। गाइस, पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि ये वाले स्टॉक्स में, जो भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में लेकर आया, जिसमें 100 से 150 से 200 पॉइंट तक के टारगेट्स हैं, इस पर भी ऐसा कुछ है। अगर आप इसे एक हफ्ता दो हफ्ता के लिए होल्ड करते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने डिविस लैब का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अब इस चार्ट में ऐसा क्या दिख रहा है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं। मैं सारे टॉप्स को मिलाता हूँ। ठीक है, तो मैंने सारे टॉप्स को मिला दिया, मैं बॉटम्स को मिलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बॉटम्स को मिला दिया। अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्या बता रही है, सबसे पहली बात तो हमें ये देखने वाली है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये बता रही है कि यहाँ सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम सपोर्ट ले चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, फिफ्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुकी है इस लाइन पे। सो यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गई लाइन, ये सपोर्ट हो गई। हम इधर बाइंग देखते हैं जब भी इस लेवल पे टेस्ट करता है, और यहाँ पर हम लोग एक सेलिंग देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर इसने कैसा परफॉर्म करा। अब आप देखिएगा यहाँ से स्टॉक स्ट्रेट नीचे आया है, स्ट्रेट नीचे आया। अब यहाँ पर इसने एक, देख रहे हो, यहाँ पे एक बेस बनाया, ये देख रहे हो। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा, नीचे से गिरने के बाद उसने यहाँ पर अपने एक बेस बनाया, ये देख रहे हो। ये एक बेस है कि एक दिन फर्स्ट टाइम इसके अंदर ट्रेड था, सेकेंड टाइम भी इसके अंदर ट्रेड था, थर्ड टाइम भी इसके अंदर ट्रेड था एंड फोर्थ टाइम भी इसके अंदर था। देख लो, इस बॉक्स के अंदर ही इसने चार बार चार कैंडल बनाई और इसी के अंदर क्लोज दिया, और आज जाके हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज यहाँ हुआ था, ओपन यहाँ हुआ था, यानी कि गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर क्लोज हुआ था, ओपन यहाँ पर हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यानी कि बॉटम से, अपने बॉटम से हम देख रहे हैं गैप अप जा रहा है, और यहाँ पर मल्टीपल बार एक चैनल बना के ब्रेकआउट दे रहा है। तो यानी कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, जो कि आ रहा है 2320 का लेवल के आसपास, और यहाँ पर हमें टारगेट्स बुक करने हैं। क्यों टारगेट यहाँ पर बुक करने हैं, आप देख रहे हो स्ट्रेट फॉल है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट मूवमेंट आ सकती है इस लेवल तक, जो कि 2450 से लेके 2500 रुपये के लेवल तक है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमें इंट्राडे में ट्रेड क्या लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख चुके हैं कि ये क्या बता रहा है। इसका एक और कहना है, इसका ये कहना है कि आप यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये इसने एक फ्लैग पैटर्न बना रखा है। एक दो तीन चार, चार स्ट्रेट कैंडल आई, यानी कि 1800 से 2500 पहुंच गया चार पाँच दिन के अंदर अंदर स्ट्रेट मूवमेंट पे। उसके बाद एक रेंज के अंदर चला गया, और अब दोबारा अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमें और भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप इसमें कल बाय बना सकते हैं। अगर मैं आर्ली चार्ट पे जाता हूँ तो आर्ली चार्ट पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पैटर्न को हम कहते हैं गाइस, आपको मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस पैटर्न को कहते हैं गाइस हम बुलिश बैट पैटर्न। गाइस ये बुलिश बैट पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, बुलिश बैट पैटर्न है ये गाइस। और यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि इस लेवल से एक बाइंग आई है अच्छी खासी, इस लेवल से। अब मैं यहाँ पर अगर देखिए गाइस, एक बॉटम है और टॉप है,
टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची बनाता हूँ। सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमें बॉटम से लेके टॉप तक बनाना है, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबोनाची मैंने बनाया। जब मैंने बनाया, आप देख रहे हो कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, 886% रिट्रेसमेंट के अंदर। अगर आप बैट पैटर्न का स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 886 पे वो अपना होल्ड लेता है, पॉज लेता है, उसके बाद एक मूवमेंट देता है, एक दोबारा रिवर्स करता है, वहां पर पॉज लेता है और एक स्ट्रेट मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर ये मैंने आज आइडेंटिफाई करा, अभी आप लोगों के लिए ढूंढते वक्त, तो मुझे पता चला कि यहाँ इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट था। दूसरी बात, आप देख सकते हो ये एक पैटर्न का ब्रेक, पैटर्न का टारगेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो अगर मैं इसके टारगेट्स की फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ मैं पैटर्न के टारगेट की फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो उसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे दोबारा फिबोनाची बनाना है और वो मुझे सी से लेके डी तक बनाना है, सी से लेके डी तक। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसने क्या परफॉर्म करा है, अब यहाँ देख सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही था 2400, जो कि अचीव हो चुका है। इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आता है 2435 का, ये नेक्स्ट टारगेट ये, एंड उसके बाद अपने सी लेवल तक जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं। मैं ज़्यादा ज़्यादा ना इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, स्ट्रेट हम देख रहे हैं, एक मूवमेंट आई है ऐसे ऐसे, देख रहे हो एक स्ट्रेट मूवमेंट आई है। तो अब क्या हो सकता है कि कल अगर ये थोड़ा सा पॉज लेती है ओपन होते समय, अगर मार्केट ओपन होती है और इस लेवल के आसपास आती है, ये लेवल के आसपास जो कि लेवल निकल के आ रहा है 2380 या 85 का लेवल, ठीक है, इस लेवल पे अगर देखिए ऐसे नीचे गिरता है, आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ऐसे नीचे गिरा और उसके बाद अगर ये ऐसे बढ़ता है ना, तो बहुत बढ़िया हमें मोमेंटम दे सकता है और ये इस पॉसिबल टारगेट तक आराम से जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप अपनी पोजीशन लेकर बैठ सकते हैं और डेफिनेटली आपको लॉन्ग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बहुत बढ़िया फायदा दे सकता है, बट इंट्राडे के लिए भी आप इसे लेकर चल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप यहाँ पर देखिएगा ये क्या बता रहा है आपको, इसके बारे में तो पता ही होगा डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न को कैसे क्रिएट करते हैं। ये डबल बॉटम पैटर्न है, देख रहे हैं ये डबल बॉटम बनाया, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं इन्हें बाय करने के। एक तो एग्जैक्ट यहाँ पर बाय करो, दूसरा तरीका क्या होता है कि ये लेवल देख रहे हो, ये लेवल, इस लेवल पे अपना बाय बनाओ, ये स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो ये जो आप देख रहे हो, ये जितना डिफरेंस ये देख रहे हो उसका एक फिबोनाची लो, फिबोनाची का यहाँ पर 50% ले, वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट हो गया जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। इतनी बात आप लोग समझे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आप लोगों को एक मिनट और देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, मैं एक घंटे का चार्ट दोबारा ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा इसने क्या करा, एक डाउन साइड आई, ऊपर गया, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, इसके ऊपर गया, हमें बाय बनाना था ये लेवल पे। देख रहे हो, अगर यहाँ नहीं बना पाते तो यहाँ बना सकते थे, बट हमने नई पोजीशन देखी आज, देखी तो आप लोगों को बता रहे हैं कि इस लेवल पे 2320 पे एक बाय, बेस्ट बाय पोजीशन थी। अगर आ जाता है तो भी बना सकते हो, कोई बात नहीं, वरना इस लेवल के लिए वेट करो कल के लिए। और टारगेट जो मुझे लग रहा है पर्टिकुलरली कि यहाँ तक जा सकता है, जो कि डबल बॉटम का टारगेट होता है इस लेवल तक। तो सारी चीज़ें बता दी हैं, होप आप लोगों को इसमें फ़ायदा मिले। गाइज मेरी आप लोगों को डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए है। तो गाइस अगर आप लोग इसमें ट्रेड लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए रिस्क के ऊपर होगा, अगर आपको फायदा है लॉस होता है तो वो सारा आप लोगों को ही झेलना पड़ेगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर की वीडियो अपलोड कर दी है, 3 पैटर्न्स बने हैं और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे शो कर जाएगी या फिर यहाँ आई बटन देख रहे हैं, आई बटन पर शो कर जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आप लोगों को तभी प्रोवाइड होंगी। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।